महागठबंधन पद पर गठबंधन दो फाड़ हुआ। इंडी गठबंधन की बैठक में पीएम पद उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी के नाम पर नहीं बनी है चर्चा ही नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष के गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम घोषित करने का प्रस्ताव रखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव का समर्थन कर दिया, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर चर्चा प्रधानमंत्री के तौर पर इस बैठक में नहीं हुई। 28 दलों के विपक्षी गठबंधन के अंदर चेहरे को लेकर पहले से ही खींचतान के हालात हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा हुई, लेकिन कोई नाम तय नहीं हो सका। और इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का सुझाव रखा। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। हालांकि पीएम फेस के सवाल पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान खड़गे ने साफ किया कि गठबंधन का पहला लक्ष्य चुनाव जीतना है। सभी लोग मिलकर काम करेंगे। दिल्ली में हुई बैठक में ये तय किया गया कि 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की इस तरह की 8 से 10 बैठकें और होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दिया गया तो सवाल ये कि राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं। कई और भी सवाल हैं, वो सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ जो सबके जहन में उठ रहे हैं कि आखिर ये जो सवाल है या ये जो नाम है इन पर चर्चा क्यों नहीं हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया तो क्या विपक्षी गठबंधन के नेताओं को राहुल गांधी के नाम पर एतराज है? राहुल गांधी के नाम की जो आपने चर्चा भी नहीं की और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दे दिया। विपक्षी नेताओं के बीच खड़गे के नाम पर पहली चर्चा हुई थी। सूत्र ये कह रहे हैं कि सबसे पहले नाम रखा गया ममता बनर्जी की ओर से, तो इस पर चर्चा हुई। ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल को लगता है कि खड़गे विपक्ष का चेहरा बने तो चुनाव में फायदा हो, क्योंकि दलित समुदाय से आते हैं, पहला दलित प्रधानमंत्री मिल सकता है देश को। विपक्षी दलों के नेताओं को खड़गे के नाम पर एतराज नहीं होगा, ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि सभी इस पर एतराज नहीं करेंगे। क्या राहुल गांधी के नाम पर विपक्ष के तमाम नेताओं को एकजुट करना मुश्किल है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर राहुल गांधी का नाम सामने रख दिया तो क्या कोई बगावत कर सकता है, कोई सवाल खड़े कर सकता है? इसीलिए राहुल गांधी का नाम ना रखकर मल्लिकार्जुन का नाम रखा गया। इलेक्टेड इफ यू आर वोटेड टू पावर देन वी विल डिसाइड, आफ्टर दैट वी विल डिसाइड द प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट। तो ये तो वही बोला है, तो सवाल ही नहीं है, तो वो तो चुन के नहीं आएंगे, तो उसमें रिएक्शन देने का सवाल क्या है? फोटो सेशन का चौथा गठ मीटिंग थी। अच्छा अच्छा फोटो सेशन हुआ और उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकट करके निकल गए। अब क्या होगा उस इंडी का गठबंधन का? वो गठबंधन टोटल फेल है। वो बस खाओ पियो फोटो खिंचाओ जाओ।